दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल के आइकन को ताकि आपको मिलते रहे नए वीडियो की अपडेट। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को अनलॉक करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी स्लाइट जो है, स्लाइट एक ऐप है, वो स्लाइट ऐप से भी अच्छा। आपको एक और ऐप के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो उस वीडियो तो मैं आपको इस वीडियो में उस ऐप के कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पेड अनलॉक। तो देख सकते हैं आप सामने ही आपको उसका जो है इंटरफेस आपको दिख रहा है। तो सिंपली क्या करना है आपको इसमें, सिंपली आपको इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट के क्लिक करके ये जब डाउनलोड हो के इंस्टॉल हो जाए तब आप इसे सिंपली क्या करना, इस ऐप को जो है ओपन कर लेना। तो चलिए मैं अब इस ऐप को ओपन करता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो देखिए हमारा जो पेड अनलॉक ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा वैसे मेरे पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको इसका पूरा स्लाइड देखना है तो आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप का बटन है, आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके गो इट पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं आप मेरे सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो आपका आपके मोबाइल में भी इस तरह का लॉगिन का ऑप्शन आगे आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आ जाता है टाइटल। तो आपको टाइटल में अगर आप मिसेस हो तो मिसेस पे क्लिक करना, मिस्टर हो तो मिस्टर पे, यहाँ पे जैसे मैंने मिस्टर पे क्लिक किया है या अब मिस्टर पे ये पहले से सेव रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आप अपना नेम इंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में आपका जो सरनेम होगा वो सरनेम आप यहाँ पे इंटर कर देना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईमेल, तो आप अपना यहाँ पे ईमेल डाल देना। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, तो आप अपने यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना बर्थ डेट यहाँ पर डाल के कंट्री सिलेक्ट करके रेफर बाय। तो ख़ास बात इसमें यह है कि आप इसमें रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही रेफर कोड आपको यहाँ पे आपको डालना है। तो वही रेफर कोड आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, थेम एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आपके पास कैसा पेज खुलेगा। फ़िलहाल मैंने इस ऐप में रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं इस ऐप में लॉगिन कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ देर के लिए वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लिया है, अब मैं इस पर थेम एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं लॉगिन यहाँ से हो जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गो इट का ऑप्शन दिख रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे गो इट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप इस गो इट के ऑप्शन पे सिंपली क्या करना, क्लिक करना, जब तक ये हटे ना तब तक क्लिक करते जाना। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे योर बैलेंस शो कर रहा है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड एड्स ये जो है ये ऑन हो गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। तो आप इसे जब चाहे तब ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़ करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ से इसे ऑन रहने देना, ताकि अगर आप यहाँ से इसको ऑन रखेंगे तो ये जो है आपका जब भी मोबाइल अनलॉक होगा तो आपके मोबाइल पे आपके अनलॉक स्क्रीन पे ऐड देगा। तो ऐड के आपको जो है यहाँ पे आपको डिगी कॉइन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो डिगी कॉइन क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो डिगी कॉइन होगा, 100 डिगी कॉइन का आपको $1 मिलता है। तो आप यहाँ से सिंपली 100 डिगी कॉइन अर्न कर सकते हैं। और 100 डिगी कॉइन होने के बाद आप यहाँ से लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, रिडीम का आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर रिडीम नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप रिडीम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 डिग्री कॉइन का $1 होता है। तो आप यहाँ से 100 डिग्री कॉइन जमा करिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिडीम का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप इस रिडीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिडीम हो जाएगा। तो उसके बाद हाँ नेक्स्ट टॉपिक भी हम जाते हैं। तो देख सकते हो उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है अर्न मोर। तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडसेंस मीडिया ऑफ़र। तो आप इस पर क्लिक करके आपको ऑफ़र आएगा, उस ऑफ़र को क्लिक आप पूरा करेंगे या फिर आपको कुछ रजिस्टर पे कुछ करना होगा, तो सर्वे आपको करना होगा, तो वो सर्वे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपको आपको फिर यहाँ पे जो है डिगी कॉइन पूरे आपको मिलेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डिगी कॉइन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद हाँ, तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रेफर एंड अर्न का। तो रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ से अपने फ्रेंड को रेफर कोड अपने फ्रेंड को शेयर करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो रेफर कोड आपको अपने फ्रेंड को शेयर करने से आपको फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर कोड आप शेयर करते हैं और उसने आपका रेफर कोड डाला है, तो आपको यहाँ पे डेली 5% आपको डेली यहाँ पे अपने आपके फ्रेंड पे जो अनलॉक पे जो ऐड चलेगा वो ऐड का आपको जो है अर्निंग होगी। तो आप यहाँ से रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो आपको आगे की मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ। तो आगे की बात ये है फ्रेंड्स कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लास्ट 5 डे रिपोर्ट। तो आपको जो यहाँ पे डिगी कॉइन है ये 5 दिन के बाद यहाँ पे शो करेगा, यानी 5 दिन में आपने जितने ऐड देखे होंगे पूरा डिगी कॉइन यहाँ पे उसका शो करेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इन्फॉर्मेशन। तो आप इन्फॉर्मेशन पे तो आपको पूरा दिख रहा होगा, यही है ये पूरा इन्फॉर्मेशन पेज है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अबाउट द ऐप। तो ये अबाउट द ऐप पे क्लिक करके इस ऐप का रेटिंग वगैरह इस ऐप का वर्जन चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन हाउ टू यूज़ पे क्लिक करके इसे कैसे यूज़ करते हैं क्लिक करके देख सकते हो। और FAQ में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। उसका डेमो पे क्लिक करके ये जो इसका डेमो है ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो चलिए हम वापस थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं
प्राइवेसी पॉलिसी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमारा आता है सेटिंग का ऑप्शन। तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से सिक्योर्ड सिस्टम लॉक और यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसे ऑन नहीं किया, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। इसे फिर हम क्लिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसे हम क्लिक कर लेंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद आता है देख सकते ऐप स्कर्ट शॉट। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, लॉग आउट। तो आप यहाँ से अपडेट अपने अकाउंट को कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है देख सकते हैं आप यहाँ पे रेट द ऐप ऑन लॉगआउट। तो आप यहाँ से इस ऐप को रेटिंग देके और उसके बाद आप चाहे तो लॉगआउट भी यहाँ से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, तो स्टार के ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप इस ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है देख सकते हैं ये आइकन पे क्लिक करके इसका अबाउट देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेम प्रोसेस जो मैंने सेटिंग के ऑप्शन पे बताया था आप वहाँ पे ये वही सब है आप देख सकते हैं। सिक्योर्ड सिस्टम अनलॉक, नोटिफिकेशन, ऐप शॉर्टकट और सेट वॉलपेपर, अपडेट अकाउंट, वही सब है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इस तरह से इस ऐप पे वर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये ऐप रियली बहुत मज़ेदार ऐप है, तो आप इस ऐप पे वर्क करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पे डेली ऐसे ही टेक से रिलेटिव, अर्निंग और हैकिंग से रिलेटिव वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब्सक्राइब के बाजू में बेल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।